अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे पास ये एक स्टॉक पाइल है जो डाटा मुझे सेंड किया गया है। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि इसको प्रिंट करना है 3D मॉडल में, ओके, कि ये स्टॉक पाइल कैसा नज़र आता है और इसके साथ इसकी क्वांटिटी को प्रिंट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो ऑब्जेक्ट व्यूवर है वो उसमें व्यू चेक करवाता हूं कि ये कुछ इस तरह से है इसकी जो 3D शेप है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करने से पहले हम इस पर मटेरियल अप्लाई करेंगे, ठीक है। मटेरियल क्या अप्लाई करेंगे, ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। आप अपने स्टॉक पाइल के हिसाब से कोई भी इमेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो इसकी क्वांटिटी है कि ये इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो इसके लिए वॉल्यूम डैशबोर्ड, यहाँ पे जो है इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है, जो मुझे सेंड की गई है। मैं जस्ट इसको ड्राइंग में प्लेस कर लेता हूँ। तो ये इसका वॉल्यूम जो है वो ड्राइंग में आ गया हमारे पास, ओके। अभी मैं मटेरियल ब्राउज़र ओपन करता हूँ। मटेरियल लिखना है आपने और इंटर करना है। यहाँ पे आपका मटेरियल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने एक न्यू मटेरियल क्रिएट करना है, न्यू जेनरिक मटेरियल। मेरे पास ये एम्प्टी मटेरियल आ गया है। यहाँ पे भी जो है मैं अपनी वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो इमेज है, ओके, ये इमेज है, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ओके, कंटिन्यू, यस। ये मेरे पास ये साइल के नाम से, मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट इसको ओपन करता हूँ, ये स्लॉट में आ गई है, ठीक है। इस इमेज पे आपने सिंगल क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इसके पैरामीटर ओपन होंगे, आपने जस्ट इसको स्केल करना है। मैं जस्ट इसको स्केल कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। ये एक वैल्यू इंटर करने से दूसरी वैल्यू इसलिए आ रही है कि यहाँ पे ये जो बटन बना है इसका, ये वाला, ये लॉक है इसका, ठीक है। अगर ये ऑफ होगा तो फिर आप लेंथ विड्थ की वैल्यू जो है वो डिफरेंट दे सकते हैं। अभी ये लॉक है इसलिए जो एक वैल्यू इंटर करने से दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आ रही है। तो अभी ये मटेरियल हमारा आ गया है, ठीक है। अभी इसको हमने इसमें असाइन करना है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी सरफेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सरफेस प्रॉपर्टी, ओके, और यहाँ पे आपने ये जो ग्लोबल है, ओके, डिफॉल्ट जेनरिक, ओके, डिफॉल्ट जेनरिक आपने इसको अप्लाई करके ओके करना है। अभी अगर हम इसको ऑब्जेक्ट व्यूअर में देखते हैं, ओके, और यहाँ पे आपने रियलिस्टिक करना है, तो यहाँ पे हमारा मटेरियल जो है वो असाइन हो चुका है, ओके। अभी हमने इसको प्रिंट करना है। प्रिंटिंग के लिए लेआउट है, ओके। तो लेआउट में आपने क्या करना है, अपना कोई भी अगर आपने पेज सेटअप किया हुआ है तो आपने इसको पेज सेटअप कर लेना है, ओके। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके, पेज सेटअप मैनेजर मॉडिफाई, ओके, यहाँ पे आपके पास अगर कोई पेज है तो आपने उसको असाइन कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास ये एक पेज ऑलरेडी बना हुआ है, मैं जस्ट इसको प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है। ये पेज आ गया मेरे पास, इसको मैं ओके करता हूँ, ओके, क्लोज, ओके। यहाँ पे आपने ये रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है, ओके, यहाँ पे आपका मटेरियल आ गया है। यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने इसको जूम कर लेना है। यहाँ से आपने 3D व्यू इसका ऑन कर देना है। 3D व्यू इसका ऑन हो गया है। यहाँ आपने मॉडल स्पेस पे आना है या इसी लेआउट में आप एक सरफस को सिलेक्ट करें और इसका जो सरफस प्रॉपर्टी में से इसको आप नन कर दें, नो डिस्प्ले, ओके। अभी हमारे पास ये एक रह गया है, ओके,
इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ इधर, ओके, इसी को मैंने कॉपी किया है यहाँ से, ओके, और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ओके ओके, और इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, ओके, और यहाँ से इसको मैं स्केल करता हूँ, ओके मूव, ओके, और इसको अगर बड़ा करना चाहते हो तो आप और भी कर सकते हैं, स्केल, ओके मूव। अभी मैंने इसमें डबल क्लिक किया है और यहाँ पे ये जो वायर फ्रेम है यहाँ पे मैं इसको रियलिस्टिक कर देता हूँ, ओके, इस सरफेस को जो हमने मटेरियल अप्लाई किया था, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ओके, सरफेस प्रॉपर्टी, ओके, और यहाँ पे ये जो इसका मटेरियल है इसको आपने अप्लाई करके ओके कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो गया है सरफेस को, ओके, ठीक है, अभी आपने इसको पीडीएफ में प्रिंट कर लेना है, ओके ओके, कहीं पे भी आप इसको सेव कर लें, ठीक है, मैं यहां पे इसको सेव कर देता हूं, सेव, ये हमारा पीडीएफ में प्रिंट हो गया है, ओके, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो इसका प्रोसीजर यही था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।